हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। होपफुली बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस टूर और कॉलेज रिव्यू के बारे में। तो भाई, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और कमेंट बॉक्स में अपने टिप्पणियाँ देना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो भाई, बात करें इंस्टीट्यूट नेम की, तो कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज IITG। तो भाई लोगों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही हमें पता लगता है कि यार, मतलब कितना शानदार होगा और एक अलग सी प्रीमियर सी फील आती है भाई लोगों IIT का नाम सुनते ही। और ये जो IITs हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं टेक्निकल फील्ड में। तो लोकेशन की बात करूँ IITG की, तो लोकेटेड है गुवाहाटी आसाम में और इस्टेब्लिश 1994 का। इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट और कैंपस एरिया है 700 एकर्स का। इसके बाद बात करूँ, अगर आप IITG आने वाले हैं तो ये रहा कैंपस आपका, लश ग्रीन कैंपस बिल्कुल। कुछ फोटोज़ हैं आपके सामने, देख लो, निहार लो। और आज सिर्फ अपना बन फोटोज देखकर मत भर लेना, आज हम करने वाले हैं IIT गुवाहाटी का वर्चुअल कैंपस टूर। तो भाई लोगों, कैंपस टूर तो हो चुका है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। सो गाइस, अगर आप लोग बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा, और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। आगे बात करूँ कोर्सेज ऑफर्ड की, तो IIT गुवाहाटी BTech 4-year प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, और इसकी जो पूरी लिस्ट है मैंने आपको दे रखी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करूँ NRF रैंकिंग की, तो 2019 में कॉलेज की रैंक थी 9th और 2020 में हो चुकी है 7th। तो भाई साहब, IIT गुवाहाटी टॉप 10 कॉलेजेस में से एक है, और रैंक को देखकर पता लगता है कि हाँ, यहाँ से निकलकर हम एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। बात करूँ फेस्ट की, तो यार यहाँ पर भी बहुत सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बट मेरी जो दो फेस्ट हैं, एलकरिंगा और टेक्निकी, जो कि यहाँ पर कल्चर और टेक्निकल फेस्ट हैं, तो भाई लोगों पहले ही बता दूं कि तुम लोग अंग्रेजी पर मत जाना, इमोशंस पर जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है। तो आगे बात करूं हॉस्टल्स की, तो यहाँ पर एक जो बहुत ही यूनिक चीज़ है, यहाँ के हॉस्टल्स का नाम है वो यहाँ की नदियों के नाम पर रखा गया है, और हॉस्टल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। मैंने सारे हॉस्टल्स की फ़ोटो और उनका नाम स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, और ये हैं कुछ और हॉस्टल्स। तो भाई बात करें मेस की, तो मेस का जो मेन्यू है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और तो हम आगे चलते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो भाई लोगों, कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, कैंटीन, जूस सेंटर, स्पोर्ट्स रूम, टीवी रूम, जिम रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी। तो भाई सब कुल मिला के बात ये है कि खाओ पियो और ऐश करो। आगे आते हैं फीस स्ट्रक्चर पर, तो भाई कॉशन मनी, वन टाइम फीस, ट्यूशन फीस, एनुअल फीस और सारी फीस मिला मुलू के जो टोटल है वो आ रहा है 1,48,930। और अगर आप फी वेवर की कैटेगरी में आते हैं तो आपको मतलब थोड़ा और डिस्काउंट मिल सकता है फीस के ऊपर। तो भाई लोगों बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट्स हैं। जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 1.5 करोड़ का, और एवरेज पैकेज है 15.59 लैक्स पर एनम का। तो भाई ये सब तो होना ही था यार, क्योंकि ये IIT है। आगे बात करूँ कंपनीज विजिट की, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ विजिट करती हैं, और जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चों का ड्रीम होता है कुछ कंपनियों में काम करने का, वो सारी कंपनीज भी यहाँ पर विजिट करती हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज, गूगल, JP Morgan, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, उबर, TCS, फ्लिपकार्ट। तो भाई लोगों, ये जो कॉलेज रिव्यू है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ देना मत भूलना। और बाय बाय।